अरे अंकल, मैं आपके यहाँ घूमने आया हूँ और आप काम पे लगे हैं। चलिए प्लीज थोड़ा सा मुझे घुमा दीजिए ना, मैं बहुत बोर हो गया यहाँ पे। अरे बेटा, यहाँ पे कुछ घूमने जैसी कोई जगह ही नहीं है। ये गांव देहात है, यहाँ पे पुरानी पुरानी हवेलियाँ होती हैं और उसमें भूत भी रहते हैं। वहाँ तो तुम जा भी नहीं सकते बेटा। अगर खेत खलियान घूमना है तो जाके वहाँ पर घूमा। मेरे तो गर्दन वर्दन कमर उमर टूट गई बेटा। अरे अंकल, मैं तो यहाँ पे खेत और बगिया ही तो देखने आया हूँ। आप प्लीज मुझे वो वाली हवेली लेके चलिए, वो वाला घर जहाँ पे भूत लगती है। मैंने सबके बहुत मुँह से सुना है कि एक यहाँ पे हवेली है जहाँ डायन लगती है, वहाँ कोई नहीं जाता। प्लीज मुझे लेकर चलिए ना वहाँ। आइला डैडी, हम लोग को जाने दो ना खेलने। प्लीज डैडी, आप तो हम लोग को खेलने ही नहीं जाने देते। डैडी आइला, डैडी आप उनको जाने दो ना। वो हादसा उसके साथ हुआ था, हम लोग के साथ थोड़ी ना होगा। हम लोग उस घर की तरफ भूलने से भी नहीं भटकेंगे। आइला डैडी जाने दो प्लीज, उस भूतिया घर की तरफ नहीं खेलेंगे हम लोग। अले डैडी खेलने दो ना प्लीज डैडी, आज संडे है डैडी, तू भी कुछ बोलना बनी। अले प्लीज डैडी जाने दो ना हम लोग को खेलने, हम लोग भूतिया भगल की तलब नहीं जाएंगे डैडी। हम लोग दूतली तलब बैठ बहुत खेलेंगे, सारे दोस्त लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। डैडी प्लीज जाने दो। नहीं बेटा, तुम लोग जा नहीं सकते, तुम लोग बच्चे हो, तुमको वो भूत किसी भी बहाने बहका के अंदर बुला लेगी। हाँ, तुम लोग बहक कर चले जाओगे और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। तो तुम लोग यहीं पे खेलो, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को देखे रहूंगा। तुम्हें उस भूतिया वैली की तरफ खेलने की कोई जरूरत नहीं। अले दैदी, आप तो वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, प्लीज दैदी जाने दो, हम लोग उधर नहीं जाएंगे। हमारे दोस्त लोग आते ही होंगे दैदी। अरे डैडी, हम लोग को खेलने जाने दीजिए ना, उस भूत बंगले के घर के पीछे सारे दोस्त हमारे वहाँ पे वेट कर रहे हैं। प्लीज डैडी जाने दीजिए, हम लोग उस घर के अंदर नहीं घुसेंगे, कुछ भी हो जाए डैडी प्लीज जाने दीजिए। अरे डैडी, मुझे जाने दीजिए प्लीज, चिंकी और मुझे, मेरे फ्रेंड लोग आके वहाँ पे बैठे होंगे बैट बॉल लेके। प्लीज डैडी खेलने दीजिए, कुछ भी हो जाए उस घर के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग घर के अंदर जाएंगे ही नहीं डैडी, प्लीज जाने दीजिए। बेटा मुझे बहुत काम है, मुझे परेशान मत करो, तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। अरे डैडी प्लीज जाने दीजिए, प्लीज प्लीज डैडी, सिर्फ आज भर डन जाने दीजिए डैडी, हमें खेलना है डैडी, प्लीज जाने दीजिए। ठीक है, अच्छा जा सकते हो, बाकी तुम उस घर में नहीं जाओगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तुम्हें उस घर के अंदर नहीं जाना है, समझे ना। तो तुम उस घर की तरफ भटकोगे नहीं, नहीं तो तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारी माँ को क्या मुँह दिखाऊंगा कि मैंने तुम लोगों की जान खतरे में डाल दी। ठीक है जाओ अब, पर उस घर के अंदर नहीं जाना, मुझे थोड़ा काम करना है, मैं कर लेता हूँ। अरे ठीक है चिंकू, चलो हम लोग चलते हैं, चलो जल्दी जल्दी फटाफट से चलते हैं, हमारे दोस्त लोग वेट कर रहे होंगे, चलो जल्दी से हम लोग जल्दी चलते हैं। अरे चलो बुला लेते हैं उस बनी हनी को। चलो हनी बनी, तुम लोग खेले नहीं चलोगे क्या? हमारे डैड ने हमें परमिशन दे दी है। आइला मेरे डैड तो जाने नहीं दे रहे, कह रहे उधर मत जा, उधर ना भूत रहते हैं। प्लीज डैड, इनको डैड ने इन लोग को जाने दिया है, हम लोग को भी जाने दीजिए डैड। ठीक है चले जाओ, पर अपना ख्याल रखना बेटा, शाम होने से पहले घर आ जाना, ठीक है ना। जब तक मैं तुम लोग के लिए खाना बनाकर रेडी रखता हूँ, जाओ चले जाओ, पर उस घर के आसपास भी मत भटकना। मेरे डैडी ने परमिशन दे दी। चलो यार दोस्तों फटाफट से चलते हैं, वहाँ देखते हैं, मस्त खेलने मजा आएगा। चलो ठीक है दोस्तों, आला चलो चलते हैं पुल्लो, फटाफट से दोस्तों पीछे पीछे आओ पुल्लो के, चलते हैं। अरे ओ पगलिया रिंकिया, कहाँ जाती है हसरे, चल तोरा को उधर घुमा लाओ थोड़ा से। अरे ठीक है चलो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, मैं तो अपने भाई जी से समझती हूँ, वाकई भी तुम मेरा ख्याल रखोगे, तुम मेरे बहुत अच्छे भाई हो। चलो मुझे घुमा दो ये पूरा शहर। अरे तो का पूरा शहर का पूरा गाँव घुमा दूंगा, चल मैं तेरे को एक घर दिखाता हूँ, बहुत खतरनाक घर है, बहुत अच्छा है। तू ना वीडियो बना के डालेगी ना इंस्टा और फेसबुक पे, तू पक्का फेमस हो जाएगी। चल दिखाता हूँ तेरे को वो घर। अरे एक पगलिया को ले जाएगी, वहीं पे फंसा दूंगा, भूतनी उठा लेके चली जाएगी, इसकी पूरी जायदाद मेरे और नाम हो जाएगी। चल ठीक है, इस पगलिया को भी बेवकूफ बना देता हूँ। पर मैंने सुना है गोपाल की वहाँ पे ना एक डायन रहती है, वहाँ पे कोई आस पास नहीं भटकता उस घर के। मैंने सुना है तुम्हारे गाँव की एक लड़की इस घर के बारे में मुझे बता रही थी, बोली थी यहाँ पे भूत रहती है, यहाँ पे नहीं जाना, नहीं तो वो भूतनी तुम्हें अंदर घसीट लेगी। इस गांव के कोई भी लोग अगल बगल नहीं भटकते इस घर के। अरे सब पागल है, तेरे को पागल बना रहे हैं रिंकिया, चल मैं तेरे को अंदर लेकर चलता हूँ। चल अगर ऐसी बात है तो ठीक है, घुमा दो मुझे, आजा चल मेरे पीछे, देख यही हवेली है एकदम शानदार, चल तेरे को आगे से दिखाता हूँ। रिंकिया जल्दी आ, जल्दी आ, आओ जल्दी आ, ये देखो एक नंबर की हवेली है रिंकिया। अरे हम पास न भटकेंगे नहीं तो वो भूतनी हमको घसीट लेगा, हम इधर खड़े हो जा रहे हैं। अरे गोपाल ये घर तो बड़ा अजीब से दिख रहा है, एकदम सन्नाटा सन्नाटा लग रहा है, यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। अरे रिंकिया यहाँ पे ऐसा लगता है कोई खजाना छुपा है, कोई झूठ की अफवाह उड़ा दी उसकी, यहाँ पर डाइन रहती है इसलिए इस घर के अंदर कोई नहीं जाता भाई। पर मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगा इस घर के अंदर जाके, खजाना है सब बेवकूफ बनाते हैं, कोई खजाना ना ले ले इसीलिए बोलते भूत है। अरे गोपाल देखो कितनी प्यारी सी ये कैटी है।
अरे मुझे ऐसा लग रहा है ये मुझे अंदर बुला रही है, इसकी मालकिन नहीं मिल रही है, क्या मैं इसे ले लूं गोपाल? अरे मैया ये तो भूतनी के कोनो चाल लागती हमका पक्का, अगर यहाँ पर पार करी दरवाजा तो एक भूतनी अंदर घसीट ले, ऐसे भी घसीट ले हमारा काम हल्का हो जाएगा। ठीक है जा पकड़ ले रिंकी या बिल्लिया का। ठीक है कहती तुम मेरे साथ मेरे घर चलने को तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। कितनी क्यूट सी ये कहती है। अच्छा ठीक है मैं ले चलती हूँ। अरे ये क्या, ये तो भूतनी आके यहाँ पे खड़ी हो गई है। ठीक है मैं जल्दी से भागती हूँ। मैंने तुझे पकड़ लिया है। अरे मैया वो भूतनी उठा ले गई है रिंकिया का, वो भूतनी की चाल रही है रिंकू को अंदर बुलाए के लिए। अरे माँ कोई हेल्प करो। अरे गोपाल प्लीज मुझे बचाओ, गोपाल प्लीज प्लीज ये मुझे खा जाएगी, गोपाल मुझे बचाओ ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी। अरे यार मैं कैसे हेल्प मांगो, रिंकिया का भूत सही में उठा ले गए, अभी तो मारे के चक्कर में लगे रहे, पर वो बेचारी मासूम कुछ नहीं बिगाड़े हमार, हम उनको बचाएंगे, प्लीज हमारी कोई हेल्प करो, हेल्प करो हमारी मदद करो। रिंकी को कोई बचा लो प्लीज, कोई तो हेल्प करो मेरी, हेल्प मी। आइला बड़ा मजा आया दोस्तों आज खेल के, चलो अपन लोग घर चलते हैं। अरे आइला इधर कौन रो ले रहा है? अरे इस घर के सामने तू क्यों रो ले रहा है? इस घर के सामने हट जा, इस घर के अंदर भूत रहता है, हट जा यहाँ से। मैं नहीं हटूंगा, मेरी वजह से मेरी बहन रिंकू को उस टाइम ने उठा लिया उस घर के अंदर, वो बेचारी मुझे बार बार आवाज दे रही है, गोपाल भैया प्लीज मुझे बचा लो, मैं कैसे बचाऊं अपनी बहन को, तुम लोग मेरी मदद करो। आइला अपुन को पता था ये घर भूतिया है, इसीलिए अपुन इस घर के सामने नहीं आता। आइला अपुन लोग को भगना चाहिए, नहीं तो ये भूत ना हम लोग को भी उठा लेगा। चलो भाई चलो भगते हैं। अंकल आप काम कर लिए, मैं एक मिनट में आता हूँ। पता नहीं क्यों यार दोस्तों मुझे खुशी के लोने की आवाज सुनाई दे रही है, मैं जब तक वहाँ पे पहुँचू यार दोस्तों तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है चलता हूँ। कौन इतनी तेज में लो रहा है भैया? अरे क्या हुआ ये क्यों लो रहा है इतनी कस कस के, और तुम लोग इस घर के सामने क्यों खड़े? तुम लोग को पता है ना इस घर में कितना शलापित है, यहाँ पे बहुत खतरनाक भूतनी रहती है, यहाँ पे एक से एक आवाज आती है, और तुम लोग ही रहो मेरे भाई। अरे ना इसकी बहन को उस भूतनी ने अंदर उठा लिया इसीलिए रो रहा है, ये हेल्प मांग रहा है। बताओ इस घर के अंदर कौन जाएगा, इतना खतरनाक घर है, इस घर के अंदर जो भी जाएगा मारा जाएगा, इसलिए हम लोग घर के अंदर नहीं जा रहे, इससे बोल रहे हैं तेरी बहन को ले गई भूतनी, जाने दे चलो हम लोग यहाँ से फटाफट से निकल जाते हैं, नहीं तो वो भूतनी हम लोग को भी खा जाएगी। अरे तुम लोग ऐसा क्यों बोलते हो, उसकी बहन को उस भूतनी ने पकड़ा, अगर तुम्हारी बहन को ले जाती तो क्या तुम छोड़ के अपनी बहन को चले जाते? तुम मुझे बताओ यार दोस्त कैसे वो तुम्हारी भूतनी ले गई बहन को? अरे वो हम अम्मा बहन दोनों लोग घूम रहे थे, तू यहाँ पे खड़ी होकर पतियाने लगी थी, अचानक से एक छोटी सी कैटी आ गई, अम्मा बहन कही इसके भाई इसको पकड़ने का, मैंने बोला पकड़ ले, वो एक भूतनी की चाल थी, वो गई कैटी को पकड़ने, वो भूतनी उसे घसीट के अंदर लेके चली गई, और मेरी बहन जब से मुझे कितनी दफा आवाज दे चुकी भाई मुझे बचाओ, भाई प्लीज मुझे बचाइए, भाई भाई मुझे बचाइए, भाई भाई मुझे बचाइए। वो देखो अमा भाई नबीन भी बोल रही है जिंदा है लगता है, वो हमको बोल रही बचा लो बचा लो, हम लोग क्या करें? तुम घबराओ बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बहन को जरूर बचाऊंगा। जिसे भी अपनी जान प्यारी नहीं होगी वही इस घर के अंदर आएगा, मैं किसी को जिंदा सही सलामत नहीं जाने दूंगी, सबको मार डालूंगी। आओ 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 घर के अंदर। आइला हनी चल यहाँ से भाग, वो भूतनी हम लोग को डरवा रही है। आइला अभी से इतनी खतरनाक उसकी आवाज है, वो कैसे दिखती होगी? आइला चल हम लोग भागते हैं, जल्दी जल्दी भागो। अरे भाई प्लीज ऐसा मत बोलो, अगर इसकी बहन के दर पे वो भूतनी मुझे उठा ले गई होती तो क्या आप मुझे ऐसे ही मरने के लिए थोल के चले जाते? क्या आप मुझे बताने की कोशिश नहीं करते भाई? आखिर उसकी भी तो बहन है, ऐसे मत बोलिए, हम सब मिलकर अंदर जाएंगे और इसकी बहन को बताएंगे। अरे हनी तुमसे ज्यादा दिमागदार तुम्हारा भाई है, तुमसे कितना अच्छा सोचता है, वो सोचो वो बचाने के लिए रेडी है इसके बहन को। तो ठीक है हाल गाइस सब लोग अंदर जाएंगे, सब लोग साथ में ठीक है, और इसकी बहन को बचाएंगे। अरे मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे भूत से बहुत डर लगता है, मैं जा रही हूँ, तुम्हारे डर से बता दूंगी हनी कि तुम लोग जा रहे हो उस भूतिया घर में। ठीक है मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ, फटाफट से बता देती हूँ, नहीं तो ये लोग भूतिया घर में चले जाएंगे तो भूत इन लोग को खा जाएगा। सुनिए हनी की डैड, वो हनी और बनी दोनों पागल हो गए, उस भूतिया घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम क्या बात कर रही हो, ये लोग पागल हो चुके
हैं क्या? मैंने इन लोग को कहा था उस घर के आसपास भी मत भटकना, और ये लोग उस घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। रुको अभी मैं इनको बताता हूँ। हाँ अंकल जल्दी जाइए, रोकिए नहीं तो वो लोग घर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, मैं जब तक अपनी दादी से बता देती हूँ कि भाई भी जा रहा है उस भूतिया घर के अंदर, वो कभी लौट कर नहीं आ पाएगा। दैद दैद आप मेरी बात सुनिए दैद। हाँ बेटा कहो क्या हुआ? अरे दैद वो रिंकू ना जा रहा है उस भूतिया घर के अंदर उस गोपाल की बहन को बचाने के लिए, और शाले दोस्त भी जा रहे घर के अंदर। आप जाइए जल्दी से भाई को रोक लीजिए, नहीं तो उस भूतिया घर में अगर भाई गया तो फिर वापस नहीं आएगा कभी भी और मर जाएगा। मैं अपने भाई के बिना कैसे लाऊंगी दैद? और मैंने उस भूतनी की आवाज सुनी है, उसने चैलेंज दिया है, बोला कि अगर इस घर में जो भी घुसेगा उसे जान से मार दूंगी, वापस नहीं जा पाएगा वो कभी। हाँ उसने ऐसा कहा? चलो ठीक है तुम मेरे साथ चलो फटाफट से। अरे दैद मैं जाती हूँ सिंचैन के डैड को बता देती हूँ, मतलब अंकल को, उन्हें भी पता चलना चाहिए ना सिंचैन कहाँ गया है। आप लोग जब तक जाके भाई को रोकिए। ठीक है यार दोस्तों मैं जल्दी फटाफट से सिंचैन के डैड के पास चलती हूँ। ठीक है दोस्तों मैं पहुँच गई, मैं थक गई। सुनिए अंकल मेरी बात सुनिए, आपका जो सिंचैन है ना वो जाला उस भूतिया घर के अंदर, उसको बचाने गोपाल की बहन को जाइए प्लीज, उसे रोक लीजिए नहीं तो वो सब माले जाएंगे। जल्दी जाइए अंकल। क्या सिंचैन पागल हो चुका है क्या? मैंने उसे समझाया था उस घर के सामने भी भटकना और वो वहाँ पहुँच गया। चलो ठीक है मेरे साथ चलो, मैं भी बताता हूँ सिंचैन को। अरे ठीक है दोस्तों चलो हम घर के अंदर चलते हैं। अब वो पिंकी ना पक्का घर के सबके लोगों को बताने गई होगी कि हम लोग घर के अंदर जाने वाले हैं, और सब आके हमें लोग देंगे और गोपाल की बहन को छलबन डांसिंग लेडी माल डालेगी। चलो फिर ठीक है घर के अंदर मेरे साथ फटाफट सब लोग चलो 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 चलते हैं फटाफट से, आ जाओ सब लोग। अरे यार ये अचानक से अंधेरा क्यों हो गया यार दोस्तों? तो ठीक है दोस्तों माली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब के लिए। घर में अंदर जाने का रास्ता कहाँ है? चलो ठीक है आ जाओ दोस्तों। अरे यार ये तो बहुत खतरनाक तो रास्ता है यार दोस्तों। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब, लिख के कमेंट्स में पातू जरूर लिखिएगा ताकि आपको आगे पता चल सके कि हम इस गोपाल की बहन को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। तो चलो ठीक है यार दोस्तों चलते हैं। अरे यार बहुत डर लग रही है यार दोस्तों। अरे बच्चे सब कहाँ चले गए? बच्चे अंदर चले गए क्या? अरे अब क्या होगा हमारे बच्चे को? वो भूतनी डिंडा चबा जाएगी। हाँ डैडी आपके बच्चे को वो डिंडा चबा जाएगी। वो देखो सबके सब लगता है घर के अंदर चले गए, हमें आने में देर हो गई है। अब मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी, किसी को जिंदा सही सलामत नहीं छोड़ूंगी। अरे बैठ मुझे बहुत डर लग ली है, प्लीज आप ना बचा लीजिए भाई को नहीं तो वो डायन खा जाएगी, बचा लीजिए दैद। तुम घबराओ नहीं मेरे बेटी, हम उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैंने हजार बार मना किया था सिंचैन को कि इस घर के सामने आना मत, पर वो मेरी बात को नहीं माना, आखिर आ गया और अपनी जान को खतरे में डाल दिया। बिना देर करे हमें फ्रैंकलिन को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ बहुत देर हो जाएगी। वो डायन बहुत खतरनाक है, मुझे उसके बारे में अच्छी तरीके से पता है। मेरे डैड लोग के जमाने की वो डायन है, वो किसी को भी नहीं छोड़ती जिंदा, किसी को भी नहीं। वो उन लोग को मारे इससे पहले मुझे फ्रैंकलिन को फोन करना पड़ेगा। हाँ जल्दी फ्रैंकलिन को फोन करो, फ्रैंकलिन निकले यहाँ पे फटाफट से, इन लोग की जान बचाए। यार गाइस मैं सुबह की चाय पी रहा था तभी मुझे फोन आया कि सिंचैन की जान खतरे में है, वो एक भूतिया बंगले में घुस चुका है, उसे बचाने के लिए मुझे बुलाया गया है। यार सिंचैन तू भी कितना बड़ा बेवकूफ है, अपने अंकल के घूमने गया था कि भूतिया घर में फंसने के लिए गया था। तो ठीक है मैं चलता हूँ फटाफट से सिंचैन को बचाऊंगा और उसके दोस्तों को। तो दोस्तों अगर मैं वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर दीजिए, और अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय। कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा।